हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज करूंगी और वो ये कि मुझे अभी पता चला कि कुछ सब्सक्राइबर्स के पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो आई डोंट नो क्यों नहीं पहुंचता है, बट हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल बटन है उसको भी दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल बटन नहीं दबाया तो आप भी उसे दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। मैंने थायराइड के बारे में एक दो वीडियो पहले भी डाले हैं जिसके लिए बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि आपने जो रेमेडीज बताई थी उससे काफी फायदा मिल रहा है हमें, और जो जिस सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया था हमको उससे भी फायदा हुआ है उस चीज को समझने के लिए, उस बीमारी को समझने के लिए। थायराइड का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में वो कैसे रेगुलेट होता है, आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड हमारी विंड पाइप के दोनों तरफ होते हैं और ये बटरफ्लाई शेप में होते हैं, एडम एप्पल के नीचे होते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबकी बॉडी में होता है, बच्चा हो बड़ा हो, मैन वीमेन सबकी बॉडी में होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि जितने भी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है उनके ऊपर ये मॉनिटर करता है। ये बॉडी की हार्मोनल नीड्स को सेंस करता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में मैसेज भेजता है ताकि हार्मोनल एक्टिविटीज सब सही तरीके से काम करती रहे। हम बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड का मेन काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखना। और मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे और उसको एनर्जी के लिए काम में लाए। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, और अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो 10 चीजें और शुरू हो जाती हैं। जब T3 या T4 में कोई भी प्रॉब्लम होता है या डिसबैलेंस होता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू उनको मैसेज भेजता है कि यहाँ गड़बड़ हो गई है, हार्मोन को ठीक से बनाया जाए। इस तरीके से जब मैसेज जाता है तो ये हार्मोनल जो डिसबैलेंस है बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि वो उसको ठीक कर ले। लेकिन कई बार क्या होता है हमारी गलती के कारण, वो गलती कुछ भी हो सकती है, चाहे लाइफस्टाइल की गलती हो, चाहे खाने पीने की गलती हो, चाहे हमारी एक्टिविटीज कम है उसकी गलती हो, तो उसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो जाता है। और अगर एक बार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और ये हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर के लिए हार्मोन्स की दवाई आपको लेनी पड़ती है। अगर प्रॉब्लम है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो देसी नुस्खे होते हैं उनमें एक खास बात यह है कि वो उस डिसबैलेंस को कुछ हद तक ठीक करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा लें, अपना खाना पीना सुधार लें और साथ में ये देसी नुस्खे भी अपनाएं तो वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम हो सकती है। और एक दिन आपका डॉक्टर ही आपको खुद कह देगा कि हाँ अब आप ठीक हो गए हो, अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन दवाई तभी बंद करनी जब आपका डॉक्टर कहेगा, ये बात जरूर है, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा पता होता है कि कब दवाई बंद करनी। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बंद नहीं करें। हाँ, ये नुस्खे आप आजमाते रहें क्योंकि ये देसी नुस्खे हैं, ये घरेलू नुस्खे हैं और इनमें कोई भी चीज नुकसान करने वाली नहीं है, तो आप उनको अगर अपनाते हैं तो इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जब हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, एक थकान रहनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, आवाज जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भारी आवाज हो जाती है, नींद कम आना, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होना, स्वेलिंग के कारण ज्वाइंट्स में पेन होना, कई तरह की ऐसे सिम्टम्स हैं जो पता चलते हैं हाँ बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो सही डायग्नोज करके आपको दवाई देते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं तो आप ये घरेलू नुस्खे साथ के साथ अपना लें तो जल्दी आराम मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम वैसे तो किसी को भी हो सकती है, जेंट्स को, लेडीज को, किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये लेडीज को होती है। तो मैं सभी लेडीज से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बच्चियों का, छोटे बच्चियों का भी बहुत ध्यान रखें। जब उनकी उम्र है खेलने कूदने की तो उनको मैक्सिमम फिजिकली जो थका देने वाले गेम है वो खेलने के लिए आप उनको एनकरेज करें। अगर स्कूल में जाते हैं तो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ऐसे खेल खेलें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग करें, ये सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है जिससे थायराइड का प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
तो अगर शुरू से बच्चों पर ही ध्यान दिया जाए तो बड़ों के प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आज मैं दो ड्रिंक बनाने वाली हूँ, एक धनिया से बनाया है और दूसरा जिंजर से बनाया है। दोनों ही ड्रिंक बहुत अच्छी हैं। आप इन दोनों को एक साथ अपना सकते हैं, एक को सुबह लिया, एक को शाम, या एक एक करके आप अपना सकते हैं। लेकिन जो भी आप अपनाते हैं उसको कम से कम आप 45 डेज तक लगातार लें, उसके बाद उसको स्विच करें। इसके साथ साथ थायराइड को ठीक करने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज है, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा, और ये जो आपका, क्योंकि इसी पाइप के दोनों तरफ हमारा हार्मोनल ग्लैंड भी है, तो ये भी साथ में सही रहेगा। दूसरा, आप गले से जितना हो सके कम से कम दिन में 5-5 मिनट के लिए 3 बार हमिंग साउंड निकालें। हम तो ओम की साउंड निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू हमिंग साउंड। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो यहां पर वाइब्रेशन होती है, और ये वाइब्रेशन जो है वो इसको थायराइड को सही करने में, हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में बहुत फायदेमंद होती है। ओम नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, आप सिर्फ मधुमक्खी की जो आवाज है वो निकालिए, इस तरीके से करके, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो चलिए ये ड्रिंक्स बना लेते हैं। पहले एक प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए 1 गिलास पानी, 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा। अदरक को हम अच्छे से धो के और इसको ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसका अदरक का जो पल्प है वो लेंगे। उसके साथ में हम लेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, और साथ में हनी लेंगे, उसके उससे जो मीठा टेस्ट आएगा उसके लिए। पहले हम पानी को उबाल लेंगे और उसके बाद ये चीज़ें उसमें डालेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो जिंजर है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्लैक पेपर भी विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है और इन्फ्लेमेशन हटाने में मदद करता है। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के थ्रू जाते हैं, खाने के थ्रू जाते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी सही करता है, दुरुस्त करता है। तो हम अब पानी हमारा उबल गया है, 1 गिलास में 1/4 टीस्पून हमने डाला ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच पूरा भर के उसमें हमने जिंजर डाल दिया, और अब ये उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से बॉयल हो चुका है, उसको ऐसे कैसे गर्म पानी हमने इस के ऊपर डाला, गिलास भर दिया और उसको ढक के रख दिया करीब आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, ताकि वो पानी ठंडा हो जाए और इतना ठंडा हो जाए कि हम उसको आराम से पी पाएं। अब इसमें थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, हनी हम 1 चम्मच तक भी मिला सकते हैं, बट अगर किसी को शुगर का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो वो इसको कम मिला लें, मतलब 1/4 टीस्पून भी आप मिला सकते हैं, 1/4 to 1 टीस्पून आप इसमें हनी मिला सकते हैं, और इसको सिप सिप करके पी लें, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है, गर्म भी नहीं है, सिप सिप करके पी लें तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरी प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए 1 लीटर पानी और लगभग 15 से 20 ग्राम धनिया पाउडर। ये धनिया आप साबुत धनिया को कूट के भी ले सकते हैं या उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। पानी को बॉयल करना है, और जब पानी एक बार बॉयल होना शुरू हो जाए तब इसमें हम ये धनिए का पाउडर डालेंगे। धनिया भी इसकी प्रॉपर्टी भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करती हैं, और जो उनका जो बनने का प्रोसेस स्लो हो गया था या डिसबैलेंस हो गया था, उस बैलेंस को सही करते हैं। जब ये एक बार उबल जाएगा, बीच बीच में इसको चम्मच से आप हिलाते रहें, जब ये उबल जाएगा अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत रिड्यूस भी हो जाए, मतलब अगर 50 मिली तक पानी रिड्यूस हो जाए 100 मिली तक, तो उतना रिड्यूस भी आप इसको कर सकते हैं, और फिर इसको एक जार में धनिए के समेत बिना छाने ऐसे के ऐसे भर के रख दें और इसको ठंडा होने दें। अब ये जो पानी बन गया है, 1 लीटर पानी, 900 मिली तक पानी रह जाएगा, इस पानी को आपने दिन में 2 बार या 3 बार पीना है। अगर सुबह खाली पेट पीते हैं और रात को खाना खाने के बाद पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो लोग सुबह थायराइड की दवाई लेते हैं वो पहले अपनी दवाई ले लें, और तब तक साथ के साथ ये जो अदरक की चाय मैंने बताई है इसको बना के रख दें, आधे घंटे में ये भी ठंडी हो जाएगी, आपने दवाई खाई है उसका भी असर हो जाएगा, और उसके बाद
नॉर्मल चाय के बजाय इस चाय को पिया जाए तो थायराइड में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी और जल्दी से जल्दी थायराइड को भगा के दूर करेगी और आपको बिल्कुल हेल्दी फिट बना देगी। आई होप जैसे पहले वाले वीडियो से आप लोगों को, बहुत लोगों को फायदा हुआ, ये वीडियो भी काफी लोगों को फायदा करेगा। आप इसे अपना के देखेंगे, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में सब्सक्राइब के साथ बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।